जबलपुर एसटीएफ ने खंडवा जिले में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है और जो दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों से 15 पिस्टल बरामद की गई है। दरअसल जबलपुर एसटीएफ को मुखबरी से सूचना मिली थी कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जबलपुर में गड़बड़ी फैलाने के लिए खंडवा जिले के कोतवाली क्षेत्र में बड़ी तादाद में खतरनाक हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं और जल्द ही इन हथियारों को जबलपुर में बेचा जाएगा। इस सूचना के बाद जबलपुर एसटीएफ प्रमुख हरिओम दीक्षित अपनी टीम के साथ खंडवा पहुंचे और उन्होंने कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में छापा मारा, जहां पर गुरुनाम सिंह और गुरुचरण सिंह को पकड़ा गया और घर की तलाशी ली गई। तब घर से रखी 15 पिस्टल बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि 15 पिस्टल जबलपुर में बेचने के लिए ले जाने वाले थे, लेकिन इनके पूर्व ही एसटीएफ द्वारा पकड़ लिए गए। जबलपुर एसटीएफ चीफ हरिओम दीक्षित ने बताया कि बरामद की गई पिस्टल बेहतरीन किस्म की है और उन्हें काफी दूर तक फायर किया जा सकता है। जबलपुर एसटीएफ की टीम ने आरोपी को खंडवा कोतवाली थाने में रखा और जहां अभी पूछताछ की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है, हमने पिछले दिनों में भी कार्रवाई की थी। इस बार सुनील यादव को पकड़ा है, जो कि लोकल आर्म्स सप्लायर है और ये बताता है कि ज्ञान सिंह नाम का एक सिकलीगर है जो खरगोन के थाना गोगावा का रहने वाला है। वहां से लेकर यहां पर आता है, पिस्टल 10,000 रुपए में और कट्टा 5,000 रुपए में लोकल स्तर पर सप्लाई करता है। निश्चित तौर पे ये पुलिस के लिए चुनौती है और स्पेशली जब लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई है, हम लोगों ने ऐसे लोगों को टारगेट कर रखा है जिनकी शोहरत पिस्टल और कट्टे लेके घूमने की है। हम लगातार उनको अपने रडार